हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल द मेडटेक में। आज हम बात करेंगे बिल्कुल ही नए बिल्ड नाइट्रोजन ओएस के, जो कि आज दोपहर को लॉन्च किया गया है, जो कि है आपका 28 सितंबर लगभग 1:16 पे। जैसा कि आप सभी लोग देख ही रहे हैं, ये बिल्कुल ही नया बिल्ड है और एंड्रॉयड 8.0 ऑफिशियल ये रहा हमारा। आज हम लोग बात करेंगे इस बिल्ड में क्या कुछ नया है, कैसा इसका वर्जन है, कैसा इसकी स्पीड है और किस तरह से काम करता है। तो चलिए, चेंज लॉग में भी देखते हैं कि क्या चेंज हुआ है। तो बस मोड ऐड किया गया है, ब्राइटनेस कंट्रोल दे दिया गया, नया फीचर है ये एक नाइट्रोजन सेटिंग में। बाकी सब अंडरवुड चेंजेस हैं। खास बात ये कि नेटवर्क सिस्टम काफ़ी अच्छा हो गया है, जैसा कि वैसे लोग देख ही रहे हैं नेटवर्क फुल है और दूसरे सिम में मेरा नेटवर्क फुल है, काफ़ी कम इसका नेटवर्क का शॉर्टेज होता है। देखते हैं पर्सनल जिसमें भी कौन कौन से नए फीचर ऐड हुए हैं। स्टेटस बार में एक फीचर ब्राइटनेस कंट्रोल, आप सभी लोग देख ही रहे हैं ब्राइटनेस कंट्रोल हो रही है। क्विक सेटिंग में कुछ भी नया नहीं है, बटन्स एज यूजुअल कुछ भी चेंज नहीं। नेविगेशन बार इनेबल कर सकते हैं लेकिन इसको भी आप साइज इसका चेंज नहीं कर सकते। फीचर अच्छा है लेकिन जब तक चेंज ना हो तब तक अच्छा नहीं है। अगला है गेस्चर, कुछ भी नहीं। लॉक स्क्रीन कुछ खास नया नहीं आया इसमें भी। पावर मेनू वही है, यूजर से ऐड करने के लिए बढ़ गए हैं। रिसेंट ऐप कुछ खास नहीं। हिडन ऐप का फीचर अच्छा है जो कि आप यूज कर सकते हैं किसी भी क्लियर ऐप को बचाने के लिए। नोटिफिकेशन ऐप LED कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे पिछले एक दो बिल्ड पहले ही आ जाया था, क्लीनियर नहीं है। तो बाकी हम बात करते हैं इसके स्पीड के बारे में और उसमें क्या क्या बग्स कर रहे हैं। जैसा तो हम लोग देख रहे हैं धीरे धीरे नाइट्रोजन ओएस के डेवलपर XYYX ने पर्सनलाइजेशन सेटिंग ऐड करना स्टार्ट कर दिया है और लगभग सारे काम के स्पीड ऐड हो गए हैं इसमें। बस बहुत सारे थोड़े माइनर रह गए, तो वो भी हमें लगता है कुछ दिनों में ऐड हो जाएगा। बात SPC का है काम फिंगरप्रिंट के लिए, लिंगोडिक्स का अभी तक कुछ पता नहीं। कॉलिंग के लिए कॉलिंग वर्किंग काफ़ी अच्छा है, जैसे देख रहे हैं जियो में कॉल लगता है। बस वीडियो कॉल का बग अभी भी है इसमें। वेलकम टू जियो, वीडियो कॉलिंग अभी भी नहीं होती है। दूसरे फीचर की बात करते हैं, बाकी सारे फीचर लगभग पुराने बिल्ड के ही हैं। काफ़ी स्मूथ चल रहा है पहले से, काफ़ी अच्छा है। फिंगर प्रिंट की स्पीड भी बढ़ गई है और कुछ खास तो नया नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने कुछ दो नए ऐप्स के बारे में, जिससे कि आप अपने फ़ोन को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। जो उन लोगों के लिए है जो 2GB रैम वाला फ़ोन खरीदते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग। सबसे पहला ऐप है वो है रैम एक्सपेंडर, ये काफ़ी कूल ऐप है। इससे आप अपने फ़ोन की स्पीड को काफ़ी हद तक मल्टीटास्किंग में बढ़ा ही सकते हैं। इस पर आप करना क्या होता है, नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन है, उसमें आप देख सकते हैं कैसे इसको यूज़ करना है। इसको बस इसको ऑन करके नेट ऑन रहना चाहिए आपका, रूट परमिशन दीजिए, बस यहाँ पे ऑटो रन पर क्लिक करके ऑप्शनल वैल्यू क्लिक करिए, अपना डायरेक्टली यूज़ करिए, देन क्लिक स्टार्ट। बस आपका फ़ोन थोड़ी देर बाद काफ़ी स्मूथ काफ़ी बैटरी चलने लगेगा। दूसरा ऐप है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो है लकी पैचर, ये काफ़ी काम का ऐप है और काफ़ी कूल ऐप है। इससे आप किसी भी ऐप्स के इन पैचर्स को चेंज कर सकते हैं। इसमें जैसे कि आप गूगल है, यूट्यूब है आपका, इसमें आप यूट्यूब रेट में चेंज कर सकते हैं, नो पिक्स आर्ट डायरेक्ट कर सकते हैं, MS का प्रो वर्जन एक्टिवेट कर सकते हैं, इसमें और सारे फीचर है। एक और फीचर खास बात यह है कि जो आपका अदर जो आप बाहर से यूज़र ऐप होते हैं उनका सिस्टम के ऐप में डाल सकते हैं, सबसे काफ़ी अच्छा फीचर है और ये इन्हें परचेज को भी फ्री करता है। तो थैंक्स गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट ऑन इट, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू।